अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तंजीम अहमद, यूट्यूब के चैनल स्कॉलर फार्मेसी पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैप्टर 14 के लास्ट टॉपिक के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फार्मा से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर 14 में जैसा कि हमने बताया है, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करनी होती है। सो लास्ट जो डिजीज़ बची है, इपिलेप्सी, डायबिटीज़, पेप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन, इसके एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। क्वेश्चन वन, डायबिटीज़ इज डिफाइंड एज, डायबिटीज़ को डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन हैं ए मेटाबॉलिक डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो ब्लड शुगर, ए मेटाबॉलिक डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर, बोथ ए एंड बी, नन। ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसमें ब्लड शुगर लो हो जाती है या ऐसी मेटाबॉलिक डिजीज़ जिसमें ब्लड शुगर हाई हो जाती है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ए मेटाबॉलिक डिजीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ब्लड शुगर। डायबिटीज़ मेलिटस को सिंपली डायबिटीज़ कहा जाता है। इसमें ब्लड में शुगर का लेवल काफ़ी हाई हो जाता है। क्वेश्चन टू, डायबिटीज़ कैन बी क्योर्ड विथ, डायबिटीज़ को क्योर किया जाता है। ऑप्शंस हैं डाइट, मेडिकेशन, एक्सरसाइज, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ दीज। डायबिटीज़ को क्योर नहीं किया जा सकता, इसको कंट्रोल किया जा सकता है डाइट के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू और एक्सरसाइज के थ्रू। क्वेश्चन थ्री, विच इज़ नॉट ए सिम्टम ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ के सिम्टम्स नहीं हैं। ऑप्शन में से ऑप्शन है पुअर हीलिंग ऑफ वाउंड, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, थ्रस्ट, कफिंग। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कफिंग। डायबिटीज़ के सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, माउथ हर वक्त सूखा रहना, ड्राई रहना, यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होना, थकान महसूस करना, अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस होना, हेडेक, विज़न में चेंज आना, वाउंड की हीलिंग बहुत पुअर होना, वेजाइनल इन्फेक्शन होना, ये सब क्या हैं, इसके सिम्टम्स के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन फोर, इंसुलिन इज़ ए नेचुरल हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन और ग्लैंड, इंसुलिन नेचुरल हार्मोन है जो कि सिक्रीट होता है ऑर्गन या ग्लैंड से। ऑप्शन है द हार्ट, द स्टमक, द लीवर, पैनक्रियाज। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, पैनक्रियाज। इंसुलिन पैनक्रियाज से रिलीज होता है और ये हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में। क्वेश्चन फाइव, टाइप टू डायबिटीज़ कैन कॉज लॉन्ग टर्म डैमेज इन द, टाइप टू डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म डैमेज कॉज करती है किस ऑर्गन को? ऑप्शन है किडनी, नर्व, आइज, ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव, इन सारे ऑर्गन को ये डैमेज कॉज कर सकती है। क्वेश्चन सिक्स, विथ टाइप वन डायबिटीज़ द बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, ऑप्शंस हैं ग्लूकागॉन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, एड्रिनलिन। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, इंसुलिन। टाइप वन डायबिटीज़ में इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत रिड्यूस हो जाता है। क्वेश्चन सेवन, व्हेन द बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द इंसुलिन इट मेक्स दिस इज कॉल्ड, जब बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करती है तो इसे
कौन सी डायबिटीज़ कहते हैं? ऑप्शंस हैं टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, बोथ ए एंड सी, नन। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। टाइप 2 डायबिटीज़ में बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करती है, इंसुलिन से वो रेजिस्ट हो जाती है। क्वेश्चन 8, व्हाई इज़ इंसुलिन इम्पॉर्टेंट फॉर बॉडी टू यूज़ ब्लड शुगर? बॉडी के ब्लड शुगर को यूज़ करने के लिए इंसुलिन क्यों इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शंस हैं, इट हेल्प्स ब्लड शुगर इंटर सेल्स, इट लोअर्स ब्लड प्रेशर, इट राइजेज कोलेस्ट्रॉल लेवल, इट कीप्स सुक्रोज लेवल नॉर्मल। करेक्ट ऑप्शन होगा ए, इट हेल्प्स ब्लड शुगर इंटर सेल्स। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड शुगर को सेल के अंदर पेनिट्रेट कराता है। कैसे कराता है? सेल पे प्रेजेंट कुछ चैनल होते हैं, उस चैनल को वो क्या करता है, ओपन कर देता है, जिसके माध्यम से शुगर एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर आ जाता है और फिर सेल उसको यूटिलाइज करके एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। क्वेश्चन 9, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज? पेप्टिक अल्सर डिजीज के कॉज होने के कारण क्या हैं? ऑप्शंस हैं, एच पाइलोरी, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स लाइक एस्पिरिन, एनएसआईड, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सारे क्या हैं? पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन 10, सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज इज ऑब्लिक आर। पेप्टिक अल्सर डिजीज के सिम्टम्स होते हैं, ऑप्शंस हैं, पेन इन एपिगैस्ट्रिक रीजन और एब्डोमेन, हर्ट बर्न, नोजिया, वोमिटिंग, ऑल ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन 11, पेप्टिक अल्सर इज ए कंडीशन इन विच? पेप्टिक अल्सर एक कंडीशन है जिसमें, ऑप्शंस हैं, वाउंड्स अपीयर इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक, वाउंड्स अपीयर इन द लाइनिंग ऑफ ड्यूडेनम, वाउंड्स अपीयर इन द लाइनिंग ऑफ लीवर, बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, बोथ ए एंड बी। स्टोमक की लाइनिंग और ड्यूडेनम की लाइनिंग पे कुछ पैचेस फॉर्म हो जाते हैं, उसे ही कहते हैं अल्सर। क्वेश्चन 12, पेप्टिक अल्सर आल्सो कॉज्ड बाय? पेप्टिक अल्सर किसके द्वारा कॉज होता है? ऑप्शंस हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, स्यूडोमोनास पुटिडा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। एच पाइलोरी भी इसको कहते हैं, यह एक बैक्टीरिया होता है, इसके कारण भी पेप्टिक अल्सर कॉज होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। क्वेश्चन 13, एपिलेप्सी ऑकर्स, एपिलेप्सी होती है किस वजह से? ऑप्शंस हैं, व्हेन न्यूरॉन सेंड एबनॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन कॉजिंग ए सीजर, व्हेन द ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग ऑल टुगेदर एंड सीजर स्टार्ट, व्हेन समवन हैज़ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट कॉजेज सीजर, When brain is tired, epilepsy को हिंदी में मिर्गी कहते हैं। मिर्गी किस वजह से कॉज होती है? मिर्गी बेसिकली कॉज होती है जब न्यूरॉन एबनॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल ब्रेन को भेजता है, तो उसकी वजह से मिर्गी कॉज होती है और झटके आते हैं, जिसे कहते हैं सीजर। तो करेक्ट ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14, There are different types of epileptic seizures that affect. मिर्गी के झटके कई प्रकार के होते हैं जो कि इफेक्ट होने की वजह से किसके? ऑप्शंस हैं, ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन, ओनली द होल ब्रेन, बोथ ए स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द होल ब्रेन, नन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन होगा सी, बोथ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड होल ब्रेन, दोनों की वजह से एपिलेप्टिक सीजर कॉज हो सकते हैं। जब ब्रेन का स्मॉल पोर्शन इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से जो सीजर कॉज होते हैं उसको कहते हैं फोकल सीजर,
और जब वही पूरा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको कहते हैं जनरलाइज सीजर। क्वेश्चन 15, इपिलेप्सी कैन बी कॉज्ड बाय, मिर्गी और भी कई कारणों से हो सकती है। ऑप्शंस हैं जेनेटिक इन्फ्लुएंस, स्ट्रोक्स, हेड ट्रॉमा, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। जब मिर्गी होने के कारण का पता हो तो उसको कहते हैं सिम्टोमैटिक इपिलेप्सी, और जब मिर्गी के कारण का पता नहीं चलता है तो उसको कहते हैं आइडियोपैथिक इपिलेप्सी। क्वेश्चन 16, जनरलाइज सीजर इंक्लूड्स, जनरलाइज सीजर में कौन कौन से सीजर आते हैं। ऑप्शंस हैं एब्सेंट सीजर ओनली, टॉनिक एंड एटॉनिक सीजर ओनली, मायोक्लोनिक, टॉनिक क्लोनिक, टॉनिक एटॉनिक एंड एब्सेंट सीजर्स, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सी, मायोक्लोनिक, टॉनिक क्लोनिक, टॉनिक एटॉनिक एंड एब्सेंट सीजर। जनरलाइज सीजर में ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर इफेक्ट होते हैं जिसकी वजह से जनरलाइज सीजर ऑकर होता है। क्वेश्चन 17, सम ऑफ द नॉन इपिलेप्सी ट्रिगर्स आर, ऑप्शन में से कौन सा है जो इपिलेप्सी को बढ़ाने का काम करता है। ऑप्शंस हैं अल्कोहल, कैफीन, चॉकलेट एंड फूड एलर्जीज, फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस, नॉट टेकिंग एंटी इपिलेप्टिक मेडिकेशन रेगुलरली, ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। इन सब की वजह से भी इपिलेप्सी हो सकती है या इपिलेप्सी बार बार हो सकती है। क्वेश्चन 18, विच कम्बिनेशन ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर टेल्स अ पर्सन हैज स्टेज टू हाइपरटेंशन। ऑप्शन में से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इंडिकेट करता है हाइपरटेंशन स्टेज टू को। ऑप्शंस हैं लेस देन 120 mmHg सिस्टोलिक एंड लेस देन 80 mmHg डायस्टोलिक, 120 टू 139 mmHg सिस्टोलिक एंड 80 टू 89 mmHg डायस्टोलिक, 140 टू 159 mmHg सिस्टोलिक एंड 90 टू 99 mmHg डायस्टोलिक, मोर देन 160 mmHg सिस्टोलिक एंड मोर देन 100 mmHg डायस्टोलिक। स्टेज वन हाइपरटेंशन में पेशेंट का जब प्रेशर 140 टू 159 के बीच में होता है तो इसको कहते हैं स्टेज वन हाइपरटेंशन। वहीं पर डायस्टोलिक 90 टू 99 mmHg रहता है। और स्टेज टू हाइपरटेंशन में पेशेंट का सिस्टोलिक प्रेशर 160 mmHg से ऊपर चला जाता है और वहीं पे डायस्टोलिक प्रेशर 100 mmHg से एबव चला जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन डी। क्वेश्चन 19, ए नॉर्मल हेल्दियर पर्सन बीपी, एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का बीपी होता है। ऑप्शन है 120 अपॉन 50 mmHg, 100 अपॉन 80 mmHg, 130 अपॉन 80 mmHg, 120 अपॉन 80 mmHg। करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 120 अपॉन 80 mmHg एक हेल्दियर पर्सन का ब्लड प्रेशर होता है। क्वेश्चन 20, फॉर मोस्ट पीपल विथ इपिलेप्सी देयर सीजर आर कंट्रोल्ड बाय, बहुत से पेशेंट्स में इपिलेप्सी के सीजर को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्शंस हैं एंटी इपिलेप्टिक मेडिकेशन, Knowing their triggers, a good healthy lifestyle, all of the above. Answer आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 21, which of the following is not a causative agent for a peptic ulcer? ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि causative agent नहीं है peptic ulcer का। ऑप्शंस हैं NSAID, physiological stress, helicobacter pylori, आर्गुमेंटिन। करेक्ट ऑप्शन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।